हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कहती साहब खैरियत की होंगे और मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर किचन में दूध गर्म करने के लिए। तो किचन में आ गई दूध गर्म करने के लिए। सुबह दूध वाली आई थी, वो दूध देकर चली गई है और अब मैं कोई बर्तन निकाल के इसको गर्म करूँगी दूध को। पहले दूध गर्म कर दूँ, उसके बाद में मैं नाश्ता कुछ बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल सब सो रहे हैं और मैं ही जागी हुई हूँ। तो मैं दूध गर्म करती हूँ, उसको पहले छान लेती हूँ मैं दूध को, क्योंकि पता नहीं दूध वाली दे के जाते हैं पता नहीं क्या क्या गिरा होता है इसमें। तो मैं हमेशा पहले छान कर ही गर्म करती हूँ। क्या अच्छा जी, तो ये मेरे रात के बर्तन वॉश हुए रखे थे, इन्हें मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ। क्या कर रहे हो शान? कुछ तो कर रहे हो। दूध गर्म हो रहा है पीने के लिए। सब सो कर क्या है? ओके जो ठीक है। तो ये बर्तन होगा इनकी जगह पे लगा दूँगी क्योंकि तो वॉश हो रखे हैं। तो पानी भी अब तक बिल्कुल निकल गया है। मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पियेंगे, वो दूध पियेंगे, मेरे दोनों बेटे भी दूध पियेंगे। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सुबह के बज गए हैं 11, नाश्ता हो चुका है और अभी धुल रहे हैं कपड़े। तो मैं कपड़े फैलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी मैं खाना। मैं खाने में क्या बना रही हूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो बनाऊँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बच्चे अभी हैं नहीं, वो गए हैं। और ये देखिए हमारा टीवी ऐसे रखा है, ये रहा ऐसे रखा है अभी इसके ऊपर। अभी इसको हम यहाँ लगवाएंगे, अभी यहाँ रखा है, यहाँ चल रहा है। अभी इसको एलसीडी को हम यहाँ लगवाएंगे और अभी काफ़ी फैलावा हो रहा है। तो चलो फिर कपड़े फैलाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। तो उसके लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज ये सब काट रही थी। तो आज कोफ्ते बना रहे हैं, कपड़े हमारे धुल चुके हैं, सारा काम हो गया है घर का। तो अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो ये मेरे कोफ्तों का सामान हो गया है रेडी और ये कोफ्ते रेडी कर रही हूँ मैं अपने और मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं कोफ्ते रेडी करूँगी, फिर इसका मसाला रेडी करूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है खाना। आज हस्बैंड है नहीं अभी घर पे, जब तक वो आएंगे अब तक खाना रेडी हो जाएगा। तो हमारे कोफ्ते हो गए हैं रेडी और अब मैं जा रही हूँ कोफ्तों का सालन बनाने। तो तेल में मैंने प्याज, लहसुन और अदरक एक साथ डाल दिए तीनों चीज़, और इसे अब मैं भून रही हूँ। जो भून थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। और ये अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ मसाले में और थोड़ी देर में कोफ्तों को भूनूंगी मसाले के साथ में। ये देखिए इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी मसाले के साथ में, मसाले ऐड करती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं हल्का सा हिला दूंगी कुछ इस तरीके से, मतलब मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही हिला कर बनाऊंगी। ये देखिए। तो ये सॉक्स पहना दूँ तुम्हें पैरों में? फिर इन सॉक्स से कैसे खेलोगे तुम? हाथों में ही पहने तुमने, कैसे खेलोगे? ऐसे खेलोगे? अच्छा आओ पिनाती हूँ, बैठो। क्या कर रहे हो आरिश कबड में घुसे हुए? अच्छा ये आपने अपनी जगह ले ली, ये आपका एरिया है, इसमें आपका सामान है ये? हाँ। ये पंखा आपके किस काम में आता है? चलो ठीक है, रख लो इन्हें उठा के। ठीक है ये सब, ये बकेट भी रखना अपनी, ठीक है। चलते हम नए
कर्टन्स लाए और ये डाल दिए, ये मेरे हस्बैंड ने डाले और ये 9 फुट के कर्टन्स थे, तो ये हमारे पास थे नहीं, मेरे पास 7 फुट वाले थे, तो ये फिर हम लेकर आए थे और मैंने इनको डलवा दिया है, ये यहाँ डाले हैं और अभी यहाँ के बाकी हैं, यहाँ के ये भी बाकी हैं, यहाँ पर डलेंगे और ये है ना, ये छोटा है, बहुत छोटा है मेरा, तो ये छोटा है, यहाँ भी 9 फुट का ही आएगा। चलें जी, तो सब ने खाना खा लिया है, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और हम भी सोने जा रहे हैं। अभी ईशान सोई नहीं है, ये मेरे पास बैठे हैं, है ना ईशान, नींद आ रही है? हाँ। मुझसे उंगली निकालो, ठीक है। तो फिर तो आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।